तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने भाई का YouTube चैनल जिसका नाम है मस्ती राइटर। और ये भाई लोग हैं जो काफ़ी दूर से चलकर आए हैं मेरे स्टूडियो पे, और इनका ये एग्रीमेंट कर मेरे यहाँ गाना चाहते हैं और आए हैं तो गाएंगे ही गाएंगे। इनको रहने का व्यवस्था सब कुछ दिया गया हुआ है, और सिर्फ आपको हम पहले भी वीडियो में बताए हुए हैं, ओनली आपका ट्रेक का पैसा लगेगा। और देखिए, क्योंकि ट्रेक अपने घर से नहीं बनता है, और यहाँ पे आपको रहने का सारा सुविधा दिया जाएगा। आपको यहाँ पे बर बर्तन जो भी होगा सब यहाँ आपको दिया जाएगा, जिससे आप बनाकर खा सकते हैं और यहाँ से आप रहकर गा सकते हैं। अगर आप एक छोटे सिंगर हैं तो खासकर हम छोटे सिंगर को ही हम यहाँ पे हम बुलाते हैं, जिनको गाने का लूर भी नहीं होता है उनको हम यहाँ पे रहकर सिखवाते हैं। और देखिए, एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, खेसारी भैया हैं जो गाते हैं खेसारी की तरह, बोलते भी हैं खेसारी की तरह, पर बीट पर नहीं गा पाते हैं, सुर नहीं पकड़ पाते हैं, फिर भी हम इनको बैठा कर सिखा कर इनको सॉन्ग गवाते हैं। और एक आप अच्छे सिंगर हैं तो भी यहाँ से हम आपको काफ़ी हेल्प करेंगे, और यहाँ से अगर आप अच्छे गाते हैं। और देखिए, खेसारी भैया आए हैं, आप कई गाना गाए होइएगा लमसम? दो गाना गाए हुए हैं। और आपका फर्स्ट गाना का कितना व्यूज उठाए हुए थे? बहुत कम रहे। तैयो लगभग 700-800 तक था। और जो आप यहाँ से गाना गाए हैं उसका व्यूज कितना है अभी? सबसे पहले नमस्कार प्रणाम सब केहू के, जितना भी भोजपुरी श्रोता बा, और हमारे को गाना यहाँ से जौन गौले बानी स्टूडियो से छूटल बा वेस्ट वर्ल्ड भोजपुरी से, जौना के व्यूज 45,000 प्लस बरवलों के आशीर्वाद से सरस्वती पूजा के गाना बा, ता यहाँ के हमार गाना बजाता बहुत बजाता, तरवा लोग के दिल से धन्यवाद बा, दिल से प्रणाम बा, और स्टूडियो के ये भैया के तहे दिल से प्रणाम बा। और ये देखिए, ये हाँ है भैया, आपका नाम क्या है? अभिमन्यु कुमार। आप कौन से जिला से हैं? खगड़िया जिला से। खगड़िया जिला से हैं? यूपी में पड़ता है? बिहार में? बिहार में, सहरसा जिला। सहरसा जिला के बगल में पड़ता है। और देखिए भैया, देखिए, अगर आप एक अच्छे सिंगर बनना चाहते हैं तो ही यहाँ पे कॉल कीजिएगा, और नहीं तो टाइम पास के लिए भैया कॉल कीजिएगा तो आपका कॉल भी रिसीव जल्दी नहीं होगा। और ये भाई से पूछ लीजिए कि कितना बार कॉल किए, और जिस कॉल को अगर हमें लगता है कि हाँ इसको रिसीव करना चाहिए और उसको करते हैं तो वो आ ही जाते हैं, क्योंकि देखिए ये 50-60 कॉल किए थे, बहुत कॉल किए हम। और आप लोग बोलते हैं कि बोलो कि ये वीडियो फेक है, भैया फेक नहीं है, इतना कंफर्म रहिए कि ये वीडियो फेक नहीं है। अगर आप वाकई में अगर आप सिंगर बनना चाहते हैं तो आइए, हम आपको जरूर हेल्प करेंगे। और ये देखिए भाई का स्टूडियो रहा, और ये जो टावर बक्सा है ये 1-2 दिन में हटने वाला है, और यहाँ पे यामाहा का बक्सा लगवाने वाले हैं, बाकी सब मेरा रोड का ही है, पूरा यामाहा सिस्टम है, और यहाँ से आपका काम भी अच्छा होगा। और भाई से देख लीजिए कि यहाँ से खेसारी भैया हुए, चाहे लक्ष्मी राज हुआ, चाहे विजय बवाली हुआ, नया साल में विजय बवाली का भी अच्छा खासा व्यूज उठाए हुए थे, खेसारी भाई भी अच्छा खासा व्यूज उठाए हैं, लक्ष्मी राज भी अच्छा खासा व्यूज उठाई है। तो देखिए, कहीं ना कहीं अगर आप किसी पे मेहनत करते हैं तो व्यूज की बड़ी बात नहीं है। अगर आप अच्छा गाते हैं तो आज नहीं उठेगा व्यूज, कल नहीं उठेगा, परसों उठेगा जरूर, क्या? और आप जानते हैं कि चंदन चंचल को ही देख लीजिए, 3-3.5 साल के बाद बजा, बट काम करना छोड़ा थोड़ी, तो कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होता है। और मेरा स्टूडियो के धरिए, मेरा स्टूडियो लमसम 4 जगह खोले हुए हैं, 4-5 जगह, और सब जगह टूट गया, फिर भी हार नहीं माने, और यहाँ पर अपने बदौलत जो स्टूडियो खोले हैं तो आज है ना। तो देखिए, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होता है। अगर आप वाकई में अगर आप अच्छा कलाकार बनना चाहते हैं तो ही इस नंबर पर कॉल कीजिएगा, अन्यथा आप अगर टाइम पास के लिए कॉल करना चाहते हैं तो हम वीडियो में ही बोले हैं कि आप कॉल मत करिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम लोग टाइम पास करने के लिए हम कॉल रिसीव नहीं करते हैं, और हम ज़्यादा बात भी नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए आपकी सिंपल सी बात है कि हर वीडियो में हम बताते हैं कि मेरा मुजफ्फरपुर जिला रिकॉर्डिंग स्टूडियो हुआ, आपको मुजफ्फरपुर बैरिया गोलम्बर आना है, और वहाँ से आपको मोतीपुर के लिए बस पकड़ लीजिए, चाहे आप मंगराही के लिए पकड़ लीजिए, मोतिहारी वाला रोड में मेरा स्टूडियो है, और महिंदर चौक पे उतरकर आप किसी से पूछिएगा कि स्टूडियो पर जाना है, आपको बता देगा। तो इस तरीके से आप आ सकते हैं, और नहीं तो अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो मेहसी स्टेशन पड़ता है मेरे यहाँ बगल में ही, मोतिहारी वाला अति रूट में है मेहसी स्टेशन, वहाँ पे उतरकर आप कॉल कीजिएगा। अच्छा, SMS कर दीजिएगा कि भैया मेहसी आ गए हुए हैं, आप रिसीव करने आइए, तो हम आपको बाइक भेजकर हम आपको रिसीव करवा लेंगे।
तो चलिए उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये बात अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो जरूर आइए। और चलिए देखिए, अभी खेसारी भाई का तो म्यूजिक कंपोज करवाए हैं, पर इनको गवाए हैं थोड़ा सा, देखिए पहले अभी तो अथिए गए हैं, सुनाते हैं थोड़ा। कर इनको रियाज करवाएं कि देखते हैं कि कैसा होता है, अब वो ये अच्छा गाएंगे। और इनको बीट पर नहीं आता था, इनको हम इतना बोले बहुत बोले, भाई देख तू दिन दिन भर रियाज कर, तू दूसर कुछ नहीं ये छोड़ दे, बीट पर भी नहीं हो रहा है तो छोड़िए, रिदम आपको समझाया जाएगा कि भाई यहां से उठिए वो हो जाएगा, बाकी सुर भटकना नहीं चाहिए। अगर सुर में गाइएगा, अगर थोड़ा बहुत ऑन बीट भी होता है तो उसको बीट पर हम लोग रख सकते हैं, पर आप बेसुरा गाइएगा तो बीट पर ही रख कर क्या होगा, जब आप बेसुरे गाइएगा तो रियाज कीजिए और फिर आइए भाई के पास, भाई पूरा दिल खोलकर आपको सपोर्ट करेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।